साजना होश ने ओडे
दे सारे आसी दे साजना होश ने उठे सारे आसी दे साजना मुखड़े ने जादू कीता तोड़े ए साजना मुखड़े ने जादू कीता साजना मुखड़े ने जादू कीता तोड़े साजना मुखड़े ने जादू कीता तोड़े साजना मुखड़े ने जादू कीता मुखड़े ने जादू कीता तोड़े साजना मुखड़े ने जादू कीता साजना मुखड़े ने जादू कीता तोड़े मुखड़े ने जादू कीता तोड़े साजना मुखड़े किनके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है दीदार हैरत ज़दा तकता क्या है किनके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है दीदार हैरत ज़दा तकता क्या है जब चाहे वो आया हो जब चाहे वो निहा हो इसमें कोई करेगा क्या इसमें कोई करेगा क्या ये फकत नसीब की बात है दिल मदीना है जिगर मदीना है फिर भी ढूंढता हूँ किधर मदीना है सलाम आप पर ताजदार मदीना दुरूद आप पर आए आए उफो सलाम आप पर ताजदार मदीना दुरूद आप पर सलाम आप पर दुरूद आप पर जादू कीता तोड़े साजना मुखड़े ने जादू कीता तोड़े साजना मुखड़े ने जादू कीता तोड़े साजना मुखड़े ने जादू कीता सल्ले अला की खैर हो सल्ले अला की खैर हो
चूड़े चमार पार्सल अला की खैरो चूड़े चमार पार्सल अला की खैर चूड़े चमार पार्सल जादू की ताटी साजना मुखड़ी ने जादू की ताटी साजना मुखड़ी ने जादू की ताटी साजना होश ने उड़े सारे सीधे साजना होश ने ओडे सारे सीधे साजना होश ने ओडे सारे सीधे साजना नजर अनोखी वल्ला नजर अनोखी अनोखा नजरी अनोखी वल्ला तेरा असर अनोखा नजरी अनोखी वल्ला तेरा असर अनोखा नजरी अनोखी वल्ला तेरा नजर अनोखा नजर अनोखा नजरी अनोखी वल्ला तेरा नजर अनोखा नजरी अनोखी वल्ला तेरा ये बनाई हुई बातें नहीं है ये अकीदा आपने खुद बना लिया ऐसा होता था नजर अनोखी मसलन बहुत सी बातें हैं जिसमें एक किस्सा याद आ गया है जंगल में जा रहे थे न खाना न पीना न कुछ लेकिन उनके साथ मोहम्मद मुस्तफा थे जब चाहें क्या का क्या हो जाए असबाब हो या ना हो तो एक झोंपड़ी थी वहां उधर कर चले गए अरब मेहमान नवाज होते हैं बहुत बलोचियों पठानों की तरह उफ किस्मत उस झुग्गी वाले की जब वहाँ खड़े हुए वो बुढ़ी आई परेशान थी कि मेहमान आए हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है उसको पता नहीं है कि आज दोनों जहाँ की नेमतें तेरे घर में आ गई कौन जाने कौन मोहम्मद बाद में उसको पता लगा तो उसने माजरत की और कहा कि मेरा खावन बकरियां चराने गया है और फाका कशी कर रहे हैं ऐसे हालात हैं माजरत की और कुछ माफ़ी का सूरत तलब की कि हम मेहमान नवाज हैं लेकिन इस वक्त मालात ने मजबूर कर दिया हमारी बकरियां मर रही हैं कुछ भी नहीं है तो एक बकरी थी बीमार थी वहाँ कोने में खड़ी थी मरने वाली थी नजर अनोखी वाला तो उसको तो नहीं पता चलता ना नया मामला था आपने कहा वो जो बकरी खड़ी माशा उस बकरी की तरफ नजर गई अब देखो नजर क्या करती है अय अल्लाह उसने कहा सीधी जी ये मरने वाली है मैं अभी दिखा देता हूँ वो समझ नहीं रही थी
लाई उसको कहा ये खाती पीती भी नहीं है, मर रही है, आपकी नजर जब पड़ी उस पर आपने ऐसे कर दिया उसको। उसी वक्त दूध का दूध, दूध का दूध, सारे बर्तन घर के दूध से भर गए। नजर अनोखी वर्मा, ऐसे कभी नहीं होता। बहरहाल किस्सा लंबा है थोड़ा, मैं बीमार हूँ, ज्यादा बोल नहीं सकता। तो फिर आप चले गए, साहबा ने दूध पिया, घर वालों के बर्तन दूध से भर गए, इतना दूध उसने दिया। जब आप चले गए, पीछे उम्मे माबद आया जो खेमे वाला था, झुग्गी वाला था, थका हुआ आके लेटा ऐसे, थोड़ा उसने एक बर्तन उठाया तो दूध से बर्तन भरा हुआ, दूसरा देखा तो तअज्जुब करता है, कहता मैं जंगल में चला के आया, पता नहीं है मर रही है, तो बकरियाँ तो थी नहीं यहाँ, तो ये कहाँ से दूध आया? कहते जो मर रही थी इससे आया। ये जो मर रही थी इसने दी, वो हैरान हो गया। उसके दूध का छोड़ो तुम, दूध बाद में पूछना, तुम हमसे पूछो यहाँ आए कौन थे। फिर उसने आप जैसे उसको उनको अरब की जबान है, उसने आपका नक्शा खींचा कि उनकी सूरत ऐसी थी, बाल ऐसे थे, साहबा ऐसे खड़े थे, अगर बात करते थे कहती थी ऐसी गुफ्तगू नहीं सुनी जैसे मोती निकलते हैं, और साथ जैसे खड़े थे उनमें ऐसा अदब देखा, ऐसा अदब कभी देखा हमने नहीं, इस किस्म की बातें की उसने। फिर उसने कहा खुदा की कसम मैं उनको ढूंढूंगा, जहाँ मिलेगा मैं ईमान लाऊंगा। तो मतलब है नजर अनोखी वल्ला, नजर अनोखी वल्ला, ज़ात अनोखी वल्ला, सब कुछ उनका अनोखा था। जैसे कतादा आया, निकली हुई आँख का, या रसूल अल्लाह मेरी आँख निकल गई है, दस्त मुबारक बढ़ाया और आँख निकली हुई आँख उसी वक़्त लगाया, लग गई। सहाबा कहते हैं वो आँख दूसरे से खूबसूरत नजर आ रही थी। आपकी किस बात की कोई तारीफ कर सकता है, ना बोल की तारीफ कर सकता है, ना चलने की तारीफ कर सकता है, ना देखने की तारीफ कर सकता है। इसी औलिया अल्लाह ने जुमलों में ये मुबहम कह दिया, कहा उनको किसी ने नहीं पाया, फलम देखो मिन नवासिल वला साबिक वला लाहिक, जो सबकत कर रहा था कि विसाल की सूरत है वो तो उसने भी नहीं पाया, जिसको विसाल हुआ उसने भी नहीं पाया, कि माम हज़रत अली ने भी नहीं पाया। तो आस्ते आस्ते पता चला ये तो मोहम्मद कुछ और भी हैं, जैसे हम देखते हैं इसी पर नहीं है, कुछ और भी हैं। जैसे असर की नमाज कज़ा हो गई थी, अदब से नहीं उठाया था, उनको नहीं पता था ना, तो आँखों में आंसू भरे हुए थे। आपने सूरज को मर्जी पर चलाया, दुआ की, और ये नहीं कह इससे गलती हुई इसने नमाज की, का नफीता से सात नबीक, ए अल्लाह तेरी फरम बरदारी कर रहा था अली और तेरे नबी की फरम बरदारी था फर्ज अलैह, इसको वापस करो सूरज को, वापस हो जाए, मेरे अली ने नमाज पढ़नी है। फिर सूरज को उंगली से ऐसे किया, तो लिखते हैं हदीस वाले, जैसे उंगली चलती थी साथ साथ चलता था, जहां मर्जी ले जाओ। फिर जहाँ उंगली खड़ी की असर का अंदाजा करके ऐसे कर दे खड़ा हो गया, क्या नमाज पढ़ लो। तो उन्होंने भी नहीं पाया, हजरत आयशा ने भी नहीं पाया, बहुत से हदीसें हैं, क्योंकि पाया होता तो वो सोचते ना, आगे से बोलते ना, आगे से बोलते ना, सोचते ना, जैसे आयशा बोल पड़ी, नहीं पता था ना। कई वाक्यात हैं, एक सुनाता हूँ, वक़्त को देखता हूँ और कुछ जज्बा थोड़ा आता है, जज्बा आता है, जज्बा जज्बा जज्बा, और आना चाहिए ऐसा जज्बा हमको, तुमको मौत के वक़्त है, हमारी तुम्हारी मौत जज्बा इश्क के रसूल में हो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। घर में कोई छोटा लेला या कुछ पका,
आकर इनके दस्त दो, बकरी के दो दस्त होते हैं, खाया नोश फरमाया। कहा एक और दो, दे दिया खाया। कहा एक और दो, तो ताशा नाथ किया, सर दो ही तो होते हैं। आपने कहा तुमको क्या है, क्यों ऐसे कहते, दो ही तो मैं कहता जाता हूँ, निकलते आते उनके मुतल्लिक क्या बयान कर सकते। सुभान जहाँ में मिसाल मोहम्मद नहीं, उनकी तमन्ना नहीं तो कुछ भी नहीं। दो जहाँ से बेनियाज हुए ऐ गनी आपके तमन्नाई, खुदा हमको आपको उनका तमन्नाई बनाए। अनोखा नजर अनोखी वल्ला असर अनोखा नजर अनोखी वल्ला असर अनोखा नजर अनोखी वल्ला नजर अनोखा असर अनोखा नजर अनोखी वल्ला असर अनोखा। एवें हर कोई प्यासा नजरा दा साजना, एवें हर कोई प्यासा नजरा दा साजना, नजरा दा साजना। मुखड़े ने जादू कीता ताडे ए साजना, मुखड़े ने जादू कीता ताडे ए साजना। जीते भी ये जो मौजा भी करीब हुआ है ना, ये मैं ये तो नहीं कहता हूँ, लेकिन ऐसे ख्याल आता है अगर गलत है खुदा माफ़ कर दे। ये मौजा आका के सब मौजों से बढ़ के मुझे नज़र आया है, जो भी करीब हुआ है। अभी वो हयात नबी है ना, तो तरीकत में तुम्हारा कोई भाई बीमार था, वो डर रहा था, सुबह हार्ट अटैक होता है शाम को होता है। आका जी को बयान में कमाल हासिल है, समझाने में कमाल हासिल है। एक दो गुफ्तगू करते हैं आदमी खुद समझ जाता है, समझना शुरू हो जाता है। जैसे किसी वाक्य में कुछ किताबें देख रहा था, कहा किताबें छोड़ दो, खुद समझ में आ जाएगा, उसको मना किया किताबें ना पढ़ा करो। जुड़ा हुआ अच्छा था। तो उस मरीज को बता दिया आका जी ने, जो शेर हम पहले सुनते थे, हम कहते अकीदे से बना ऐसा हो सकता है, ये नहीं समझता था, ऐसा अब भी कर सकते हैं या करके दिखा देंगे, ऐसा हो सकता है जो चाहे, ये था दिल में। तो वो ऐसा करके दिखा दिया उन्होंने। वो शेर जो से हैं वो इस किस्म के हैं जिसमें ये अल्फाज हैं, मैं मर के भी नहीं मरदा जो थोड़ी नज़र हो गए। ये तो है कि हो सकता है ऐसे या हुआ होगा, लेकिन ऐसे नहीं हुआ जैसे अभी हुआ है। अल्लाह, हाँ भाई मैं तो आधा पागल हो गया। सेहतमंद को आदमी को आप पानी छुड़ा दें, वो जिंदा रहेगा? वो तो वैसे बीमार था। हाँ जी, तो उसकी ये बात ख़त्म कर दे, असर दिया कि खुद सब बाद में समझेगा, ताकि वो ये फिक्र छोड़ दे कि डॉक्टर की दवाएं खाते हैं, करो सब कुछ करो, लेकिन उसको बताए जब तक हमारी नज़र है तो मर नहीं सकते। तो कहा नहीं उसको, ऐसे कहा नहीं। उसके साथ ऐसे हिकमत का मामला किया, उसको कहा पानी पीना छोड़ दो। अब भी बहुत कुछ करते हैं। मुझे किसी भाई की तरीकत में एक दो बीमारियां थी, डॉक्टर बाजार नहीं मानते, न मानेंगे। मेरे पास जो डॉक्टर हैं वो मानते हैं,
उनको कुछ खबर हो गई इन बातों की, साथ साथ में रहते हालात के, और वो बीमारियाँ ऐसी गायब हो गई जो नामुमकिन थी गायब होती, ऐसी गायब हो गई गायब। मतलब तस्वर आपको देता हूँ, अब भी आपके मुमकिन नामुमकिन काम हो वो आपको गिरने नहीं देंगे, ना दुनिया के मामले में, ना मर्ज के मामले में, ना मुसीबत के मामले में। सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ़ हो जाए कुछ तुम्हारा कर नहीं सकती। वमन तकुन बे रसूलिल्लाह नुसरत हो, जिसकी मदद रसूल अल्लाह करें शेर भी वहाँ नहीं आता। उसको कहा पानी पीना छोड़ दो, बस कुछ नहीं कहा, उसने छोड़ दिया। वक्त गुजर गया, फिर एक दफ़ा तकाज़ा करम हुआ हिजाबात का, पी लिया करो बस, पहले ये कहा। तो फिर वो समझा कि मैं खाम खा वहम में पड़ा हुआ हूँ, अगर लाख साल भी हो जाए, अगर जब तक इनकी नज़र है कि जिंदा रहे मैं पानी भी ना पीऊँ जिंदा रह सकता हूँ। तो ऐसा करके भी दिखा दिया, मरीज को पानी छुड़ा दिया और कुछ अर्से के बाद का पी लिया करो। तो मतलब है कि हयातुल नबी मौजूद हैं और अब भी उनके मोर्चे चल रहे हैं खुफिया, तो तुम उनको छोड़ कर लीडरों के पीछे नारे मारते उनके पीछे जाते, तुमको क्या मिलेगा उनसे? अगर आपने दिल नबी करीम को दे दिया, उनके सच्चे गुलाम बन गए, जैसे वो चाहते हैं वैसे तुम चले और तरीकत में उसूल से जुड़े, फनाफ शेख हब शेख गैरत शेख ये आ गई, तो तकाजा करम उनके ये है, वो उसके जामिन और कफील बन जाते हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। जिस वक्त सिलसिला इदरीसिया में मौजूद है और दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है, और कहीं मौजूद नहीं है, मेरा अपना कलाम नहीं है, फिर किसका होगा? अल्लाह। तो तुमको क्या चाहिए? तुमको ऐसा सिलसिला मिला, ये बातें कोई नहीं कर सकता। आका जी मजहबों के ताबे नहीं है, मजहब उनके ताबे हों, जो मर्जी कह करें करवाएं जो मर्जी कहें। आका जी सिलसिलों के ताबे नहीं हैं, सिलसिले उनके ताबे हैं। इसलिए ये बातें कहते होंगे, बात करके इस सिलसिले में नहीं था, ना ऐसा हुआ, ना कहते हैं तो ना कहते हैं नबी करीम किताबें चलें कि नहीं, तो आप अपनी उनकी मर्ज़ी पे चलें। आपकी मर्ज़ी पे कायनात चल सकती है, आपको अपनी मर्ज़ी पे कोई नहीं चला सकता। और खुदा ने भी अपनी मर्ज़ी रसूल की मर्ज़ी में रखी है, अगर वो राज़ी नहीं होंगे खुदा भी राज़ी नहीं होगा। ऐसे रसूलुल्लाह जिसको कबूल करना, अगर वो राज़ी नहीं होगा तो ना खुदा राज़ी होगा ना नबी राज़ी होगा। ये भी मौजूद है सिलसिले में, और वो आदमी अभी मौजूद है, उस कहा भी है उसको आका जी ने, चाहो तो कह दो, हुक्मन तो नहीं कहा लेकिन डरता हूँ कहते, कहो कहना चाहते हो तो इजाज़त है कि तेरी खुदा से भी रसाई है नबी से भी रसाई है। तो तुमको नज़र नहीं आता कुछ? अनोखा नजर अनोखी वल्ला, नजर अनोखा नजर अनोखी वल्ला, नजर अनोखा नजर अनोखी वल्ला, सिर अनोखा जादू कीता ताड़े साजना, नजराने जादू कीता ताड़े साजना, नजराने जादू कीता
जीते भी उठ जाती ओ जा बन जावे जन्नत जीते भी उठ जाती ओ जा बन जावे जन्नत काफिर नु सहाबी कीता नजराने साजना कोई माने ना माने भी सहाबी बन रहे लोग इक्का दुक्का उनका जागते सामना हो जाता अल्लाह तुम्हारे सिलसिले में अब भी कभी कभी जब उनसे उनका मामला हो जाता है नजर का जिसने नबी को देखा सहाबी और ये कहते नहीं सहाबा खत्म हो गए चल रहे हैं हयात तो नबी वैसे ही मौजूद है जैसे सहाबा में थे बस इतना उस वक्त आम उनका दीदार था अब आम नहीं है जिसको चाहते हैं करा देते हैं हिजाब हटा देते हैं और उसको जाना आना नहीं पड़ता उसके नबी के दरमियान में डेढ़ गज का फासला होता है बस ये हकीकत है और ना समझो वल्लभ आलम का इनकार मत करो काफिर नु सहाबी कीता नजराने साजना फिर नु सहाबी कीता नजराने साजना नजराने जादू कीता ताडे साजना नजराने जादू कीता ताडे साजना नजराने जादू कमाई होए हासिल मेरा ए होए मेरी कमाई होए हासिल मेरा ए होए मेरी कमाई होए हासिल मेरा पावा मैं नजर तुहाड़ी वारी साजना पावा में नजर तुहाड़ी एक वारी साजना पावा में नजर तुहाड़ी एक वारी साजना पावा में नजर तुहाड़ी एक वारी साजना वारी साजना रहबर ने कत्ल कीता रहबर ने कत्ल कीता नजरा नल आसी तैनो रहबर ने कत्ल कीता नजरा नल आसी तैनो से दिल विच आका दी साजना तायों ते प्यासे दिल विच आका दी साजना थोड़ा सा शुक्र की नियत मेरा दिल मिल गया तायों ते प्यासे दिल विच आका दी साजना मेरी तरफ ही देखे आका देखे साजना इधर देखे तायों ते प्यास
प्यासे दिल विच आका दी साजना तायों ते प्यासे दिल विच आका दी साजना तायों ते प्यासे दिल विच आका दी साजना तायों ते प्यासे दिल विच ਤਾਇਓ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਜੀ ਵੀ ਐਸੇ ਹੋਆ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਾ ਜੀ ਨਿਮਤ ਨਸੀਬ ਕਬੀ ਹੋਈ ਜੇ ਰਕਸ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਆਂਖੇ ਮਿਲਾ ਤਾਇਓ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਦਿਲ ਆਂਖੇ ਮਿਲਾ ਆਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਕਾ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤਾਇਓ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਕਾ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤਾਇਓ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਕਾ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤਾਇਓ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਕਾ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਕਤਲੀਏ ਕੀਤਾ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਕਤਲੀਏ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਆਸੀ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਕਤਲੀਏ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਆਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਕਤਲੀਏ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਆਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਇਓ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਕਾ ਦੀ ਸਾਜਨਾ 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 ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਹਯਾਤ ਨਬੀ ਕਾ ਦਿਲ ਕਰਤਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਕੋ ਆਪਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕੀਆ ਹੈ ਹਯਾਤ ਨਬੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਤੇ ਹਨ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਵੈਸੇ ਕਹੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲਿ ਅਲਾ ਸੈਯਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਅਲਾ ਆਲਿ ਸੈਯਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਜ਼ਲਲਾਹੁ ਅੰਨਾ ਅਸ-ਸੈਯਿਦੁਲ ਕਰੀਮ ਅਸ-ਸੈਯਿਦੁਲ ਆਜ਼ਮ ਸੈਯਦਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮਾ ਹੁਵਾ ਅਹਲੁ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਅਬਲਿਗਹੁ ਮਿੰਨਤ ਸਲਾਮ ਵਰਦੁਦ ਅਲੈਨਾ ਕਰਮਨ ਵਫਦਲਨ ਵਅਹਿਸਾਨਨ ਵਅਫਵਨ ਮਿਨਹੁ ਸਲਾਮ ਵਜਲ ਸਲਾਮੁਹੁ ਅਲੈਨਾ ਫਿ ਦੁਨਿਆ ਵਲ ਆਖਿਰਾ ਯਾ ਅਰਹਮਰ ਰਾਹਿਮੀਨ ਅਮਾਨਨ ਜ਼ਾਹਿਰਨ ਬਾਤਿਨਨ ਦਾਇਬਨ ਅਬਦਨ ਮਿਨ ਕੁੱਲਿ ਸੂਇਨ ਵਮਿਨ ਕੁੱਲਿ ਮਕਰੂਹਿਨ ومن كل معصية ومن كل عدو ومن كل مرض ومن كل مصيبة في الدين والدنيا والآخرة في الأهل والجسد والمال والولد
والمسلمين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين اللهم صل صلاه كامله سلم سلاما دائما على سيدنا عظيمنا مولانا الذي تنحل به العقد ان شاء الله الذي تنحل به العقد ان شاء الله الذي تنحل به العقد ان شاء الله وتنفرج به الكرب ان شاء الله وتنفرج به الكرب ان شاء الله وتنفرج به الكرب ان شاء الله يا ربي بالمستصفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم امين يا ربي بالمستصفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمستصفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على خير خلقه اشرف خلقه اطهر خلقه انور خلقه اسعد خلقه احب خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على कोठी में दिल
दिल निहार आवाजल्ला आवाजन आवाजल आवाजन आवाजल आवाजन दखिल अल्लाह ثم دخل دخل الله ثم دخلكم دخل الله ثم دخلكم بهم جميعا وصلى الله دل پہ ڈالے ایک نظر ہو دل رہا دل پہ ڈالے ایک نظر ہو دل उठ जाए वो जा
मुहम्मद जी करम की एक निगाह, शाह मुहम्मद जी करम की एक निगाह, शाह मुहम्मद जी करम की एक नजर। एक सरकार से मांगो तो गुजारा होगा, दीन चाहिए, दुनिया चाहिए, दौलत चाहिए, शफा चाहिए, सब अल्लाह देता है, वसीले से देता। तो आपको दीन चाहिए, दुनिया चाहिए, शहनशाही चाहिए, वो हर चीज़ में आपका वसीला बन सकते हैं। और ऐसे मकबूल वसीला खुदा उनकी दुआ कभी वापस नहीं करता। खुदा हमेशा तकाज़ा करम जो मोहम्मद सल्लम पे किया किस पे नहीं किया है, कहा करम अकान फ़ज़लुल्लाह अलैका अज़ीमा, किसी के लिए आयत नहीं है। अगर अजीम फजल खुदा का है ऐ मोहम्मद तेरे पर है, कुरान करीम अकान फ़ज़लुल्लाह अलैका अज़ीमा इन फ़ज़लहु काना अलैका कबीरा। कोई कबीर इंतहा से फजल इंतहा की हदों से निकला हुआ है वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। ये कुरान की आयत है। उनको छोड़ के लीडरों के नारे बम और उनके पीछे फिरते, वो तो मौजूद है। तुमको तो बाद आलमों ने धोखों में डाल दिया है, माजी में ऐसे होता था, वो थे नहीं, हर वक्त हैं, वरना ये कायनात चल ही नहीं सकती। आलमीन के साथ अल्लाह ताला ने रहमत अलमीन कहा है कि आलमीन रहमत से चलती है, और रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा है, रहमत लिल आलमीन। इससे क्या बड़ी तफसीर तुमको चाहिए। अल्लाह खुदा की कसम है, अल्लाह की कसम, रब की समाए, ये कभी ऐसे हुआ था? शुक्र कर, चल शेर के साथ अंधा होके चले। और एक वाक्या में आका जी ने फरमाया ये रास्ता वो है इसमें अंधा होके चले, ऐसे भी कहा। ये अंधा होके चला, इसकी हालत बदली, इसकी हालत नहीं बदलती चाहिए। तो अंधा होके चलना मुश्किल है, इसमें कोई हिकमत होती जल्दी ना करे तो। आधा पौना आलिम भी है माशाल्लाह,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾੜੀ ਮੂੰਡ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਆਲੇ ਮੰਨਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਾ ਮੰਨਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ, ਟਾਈ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਪਸਤੂਨ ਪਹਿਨੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਸਮ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ, ਇਸਕੀ ਹਾਲਤ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਦਾੜੀ ਮੰਡਵਾਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਡਵਾਇਆ, ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਰੱਖਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਹ ਕਿ ਅਬ ਦਾੜੀ ਰੱਖਾਓ, ਇਸ ਇਸਕੀ ਅਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਿਮ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਯੇ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਵੋ, ਫਿਰ ਜੋ ਦਾੜੀ ਉਸਨੇ ਰੱਖੀ, ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਵੀ ਸਾਥ ਆ ਗਈ, ਅੱਲਾਹ, ਅਬ ਇਸਕੀ ਹਾਲਤ ਵੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਹੁਸੈਨ ਅਹਿਮਦ ਕਾ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਵਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਬਦਲ, ਇਲਮ ਕੀ ਅਨਾ ਥੀ ਦਿਲ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੈਨੇ ਇਸਕਾ ਮਾਮਲਾ, ਅਬ ਕੋਈ ਆਲਿਮ ਹੋਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਕਭੀ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਦਾੜੀ ਰੱਖੋ, ਹੁਕਮਨ ਸੁਨਤ ਹੈ, ਉਸ ਆਲਿਮ ਕੀ ਦਾੜੀ ਮੁੰਡਵਾ ਦੀ, ਔਰ ਸਭ ਫਸਲੂਨ ਟਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਆ, ਦੇਖਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖਵਾਈ ਮੈਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਬ ਰੱਖੋ ਦਾੜੀ, ਐਸੀ ਔਰ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਤਰੀਕਤ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਤੋ ਸ਼ੇਖ ਕੇ ਸਾਥ ਚਲੇ, ਉਸਕੋ ਅਸਰ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਅੰਧਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ, ਹਕਮਤ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਜਹਾਂ ਅਸਰ ਹੋ ਵਹਾਂ ਜੈਸੇ ਵੀ ਕਹੇ ਵੋ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਹੋ ਕੇ ਬਈ ਪਾਂਚ ਨਮਾਜ਼ੇ ਹੈ, ਦੋ ਨਮਾਜ਼ੇ ਆਜ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਂਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਤੋ ਕਰ ਲਏ ਦੋ ਨਮਾਜ਼ੇ ਛੋੜ ਦੇ, ਐਸੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਕਿਆ ਨਮਾਜ਼ੇ ਛੁੜਾਈ ਥੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋ ਨਮਾਜ਼ੇ ਖੁਦਾ ਨਮਾਜ਼ੇ ਖੁਦਾ ਪੜ੍ਹਵਾਏ, ਔਰ ਆਕਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਵਾਏ, ਅਬ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਵਾਉਂ, ਇਹ ਉਨਕੀ ਥੀ, ਉਸਮੇ ਯੇ ਰਾਤ ਛੁਪਾ ਹੁਆ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਵਾਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਵਾਉਂਗਾ, ਦੋ ਨਮਾਜ਼ ਅਬ ਵੋ ਪੜ੍ਹਵਾਏ ਜਿਨਕੀ ਨਮਾਜ਼ੇ ਹੈ, ਤੋ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਲਦੀ ਕਿਸੀ ਸ਼ੇਅ ਕੇ ਪੀਛੇ ਵੀ ਨਾ ਲਗੇ, ਜਬ ਤੱਕ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਆਤਾ ਜਾਤਾ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਉਸਕੇ ਦਿਲ ਮੇ ਨਬੀ ਸੰਤ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਅਸਰ ਆਤਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹੋਂ ਸੇ ਬਚਨੇ ਕੋ ਦਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਉਸ ਸ਼ੇਖ ਮੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਹਾਂ, ਤੋ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਪੀਛੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਐਸੇ ਹੀ ਚਲੇ, ਇੱਕਦਮ ਤਾਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕੁਛ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਅਦਬ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੇ ਸਾਥ ਬਦਲਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਆਜ ਕਲ ਯੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਸੇ ਕੀ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰਫ ਆ ਜਾਣ, ਸਭ ਕੁਛ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੀਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਬੀ ਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਦੀਏ ਹੈ, ਨਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਤੀ ਤੋ ਮਫਾਤੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਅਲ-ਅਰਧ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੀ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੁਝੇ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਤਾਓ, ਇਸੀ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਬੀ ਸੇ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਕਭੀ ਖੁਦਾ ਸੇ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਹਰ ਵਕਤ ਨਬੀ ਸੇ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਖੁਦਾ ਸੇ ਮੰਗੇ, ਕਭੀ ਕਭੀ ਨਬੀ ਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲੇ, ਕਿ ਤੁਮ ਖੁਦਾ ਸੇ ਮੰਗਤੇ ਹੋ, ਕਭੀ ਕਭੀ ਬਾਪ ਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਤੇ ਹੋ, ਵਸੀਲਾ ਨਾ, ਤੋ ਫਿਰ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ ਕੀ ਅਕਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੋ ਐਸੀ ਬਾਤੇਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੋ ਹਮਕੋ ਸਭ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਸੇ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਨਬੀ ਕੇ ਤੋਫੈਲ ਸੇ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਸਹਾਬਾ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਬ ਇਸ਼ਾਰਕ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਜੋ ਅਜ਼ਮਤ ਰਸੂਲ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਾਤੇਂ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕਹਤੇ ਅੱਲਾਹ ਇਸ਼ਾਰਕ ਕਰੀਬ ਤੋ ਹੈ, ਤੋ ਫਿਰ ਸਹਾਬਾ ਆਕਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਆਤੇ ਥੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹੋਤੀ ਥੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਸੇ ਸੀਧਾ ਬੋਲਤੇ ਥੇ, ਕਤਾਦਾ ਕੀ ਆਂਖ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਸੇ ਕਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਗਾ ਰਹਿਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਤੀ ਨਾ ਲਗਤੀ, ਆਕਾ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਖੜੇ ਖੜੇ ਸੁਭਾਨ, ਯਹਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਫੈਜ਼ੀ ਅਸਰ, ਤੋ ਫਿਰ ਨਬੀ ਕਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਭੀ ਕਭੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਪਰ ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਨਬੀ ਕਰਮ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਦੀ, ਕਹਾ ਹਾਂ ਐਸੇ ਯੇ ਜੋ ਮਫਹੂਮ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾ ਕੇ ਨਬੀ ਕਾ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਆ ਮਤਲਬ, ਤਕੀਆ ਕਹਿ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਭੀ ਕਭੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਸੀਲਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਾ ਅਦਬ ਸਿਖਾਇਆ, ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਚਾਹੇਂਗੇ ਤੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਕਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਮੁਝੇ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਖੁਦਾ ਅਕੇਲਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਸਿਖਾਉਣਾ ਥਾ, ਤੋ ਡਰ ਗਿਆ,
लेकिन उसने सोचा खुदा अकेला चाहेगा, हम जब दुआ मांगते कबूल ही नहीं होती तो खुदा चाहेगा अकेला जाए, जब आपके पास जाते हो जाता है, ये क्या बात है फिर, हम तो करते होते ही नहीं है तो फिर आपके पास आना पड़ता है। तो आप कहते हो अल्लाह को कहो, हम कहते हैं मोहम्मद को कहो। तकिया कलाम मत बनाओ, देखो कैसी तालीम दी। तो उसको कहा कुल इंशाअल्लाह वहदहु, मदद से चुप हो गया। इसने कहा अल्लाह के चाहेगा तो वो तो हम तो करते होता ही नहीं, तो आपका आप कहते हैं अल्लाह को कहो। फिर आपने समझाया कि अगर तुम समझते हो कि मैं वसीला हूँ, मैं खुदा के यहाँ बड़ा दर्जा रखता हूँ और तुम्हारी ये चीज़ है, तो फिर तरीके से कहो, तरीका सिखा। कहा कुल इंशाअल्लाह सुम्म शाअ मोहम्मद, अल्लाह चाहेगा फिर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा चाहेंगे। देखा पहले मना किया, फिर तो ऐसे तरीके से बात किया करें। बाज़ भाई मोहब्बत वाले हैं लेकिन बेतरीका बातें करते हैं, खुदा का नाम ही नहीं लेते, ऐसे नहीं करने। अल्लाह करम करेगा, अल्लाह के फजल से हो जाएगा। और जिसको ज्यारतें होती हैं या कुछ होता है तो फिर वो ये भी कह सकता है वसीले के तौर से, इंशाल्लाह आका जी का करम हो जाएगा काम, मतलब एक आका जी की नज़र हो जाएगी तो फिर अल्लाह की रहमत आ जाएगी। हाँ, इसमें क्या शिरक है, लेकिन नीयत पर होता है ना। ये लोग जल्दबाजी करते हैं और बातें जहालत भी करते हैं, अल्लाह का नाम ही नहीं लेता। एक दफ़ा ऐसे भी कोई करता था तो नबी के इंसान तालीम दी तो फरमाया कि खुदा का भी नाम लिया करो, उसका मफहूम यह है सब कुछ मुझको समझ बैठे, अल्लाह का भी नाम लिया करो। तो बाज़े लोग ऐसे मुतासिब होते खुदा का नाम लेने छोड़ देते, ऐसे नहीं करता। अल्लाह है बवसीला रसूल, अल्लाह शफा देता है बवसीला डॉक्टर, ऐसे होता है ना। तो करता तो अल्लाह है, डॉक्टर वसीला है। तो आका जी तुम्हारे हर चीज़ में वसीला बन सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, अगर आपने दिल दे दिया उनके हो गए। क्योंकि एक दफ़ा आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किसी का हो जाता है वह उसके काम में दखल देता है, मतलब अगर मेरे बन जाओगे मैं तुम्हारे कामों में दखल दूंगा, तो फिर बन जाओ ना यार, मानो यार, मान लो यार। मैं चलता हूँ, काफ़ी है इतना, फिर मेरे बाद 10-12 मिनट पढ़ लेना, ठीक है। इससे ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ अब, उस तरफ खामोश रहना चाहिए, उस तरफ खामोश रहना चाहिए। सिर बातिन मत ज़बां पर लाइए।
उस तरफ खामोश रहना चाहिए। सिर बातिन मत जबां पर लाइए। रहमतिक या रहमान, 10 मिनट पढ़ लेना। I love you.